नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खबर रायपुर से है, जहां पर पार्षदों के जरिए मेयर चुनने का रास्ता साफ हो गया है। नगरीय निकाय संशोधन एक्ट को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब पार्षद ही खुद मेयर चुनेंगे। अप्रत्यक्ष प्रणाली से नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। साथ ही भाजपा विरोध जता रहा है इस पूरे मामले को लेकर। विपक्ष विरोध जता रहा है सरकार के फैसले के विरोध में। तमाम तरह के प्रदर्शन यहां पर किए जा रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, आखिरकार रास्ता साफ ही हो गया है, अब नगरीय निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से छत्तीसगढ़ में होंगे, क्या कुछ जानकारी? कांग्रेस सरकार के लिए बड़ी जीत के तरीके से कांग्रेस इसे ले रही है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ और कैबिनेट ने यह तय किया कि निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली पर होंगे और निर्वाचित पार्षद ही महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, इसे एक नए अध्यादेश के तौर पर सरकार लाना चाहती थी। राज्यपाल की मंजूरी के लिए इसे भेजा गया था, निकाय चुनाव संशोधन अध्यादेश। पहले जिस तरीके से जानकारी आई कि राज्यपाल ने इसके लिए कोई क्वेरी निकाली है और उस क्वेरी का जब समाधान हुआ तो थोड़ी देर पहले इस बात की सूचना आई है कि अब राज्यपाल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यानी अब निकाय चुनाव में छत्तीसगढ़ में महापौर और अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष प्रणाली पर होगा और निर्वाचित पार्षद ही अपने बीच से एक महापौर चुनेंगे। हालांकि बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और जब आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों जब मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अपनी सिफारिश सरकार को भेजी थी तब बीजेपी ने एक बड़ी बैठक की थी और बैठक में ये तय किया था कि बीजेपी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी और जरूरत पड़ी तो लीगल तरीके से भी बीजेपी इसका जवाब देने की कोशिश करेगी और इस मामले को कोर्ट लेकर जाएगी। हालांकि बीजेपी का लाइन ऑफ एक्शन आगे क्या होगा ये तो फिलहाल तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद सरकार के भीतर इस बात को लेकर खुशी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अटकलें थी कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जब इस संशोधन अध्यादेश को भेजा गया था राज्यपाल की मंजूरी के लिए तब राज्यपाल ने इसे होल्ड कर दिया था और बाद में मुख्यमंत्री कमलनाथ को राजभवन जाना पड़ा तब जाकर इस अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जरूर क्वेरी राजभवन से आई थी, लेकिन कुछ घंटों के भीतर इस क्वेरी का समाधान कर दिया गया और अब राज्यपाल की मंजूरी भी अध्यादेश को मिल गई है। काफी दिनों से मशक्कत चल रही थी आशीष, कितनी बड़ी जीत कही जाए सरकार के लिए? देखिए, सरकार के लिए तो बड़ी जीत है। हालांकि ये तय था कि सरकार ने यदि फैसला ले लिया है, मंत्रिमंडलीय सब कमेटी बनाई है, कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन कैबिनेट के अप्रूवल के लिए आगे बढ़ाई है, कैबिनेट ने भी कल अप्रूव कर दिया, तो ये तो तय था कि सरकार इस मेथड पर निकाय चुनाव कराएगी। क्योंकि राज्यपाल एक महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे अध्यादेश में थी, क्योंकि राज्यपाल की इस मंजूरी मिलनी थी, लिहाजा अब जब राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है तो सरकार इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए।